वो सब लोग जिन्होंने इस हॉल को फूलों से सजाने में आज दिन भर मेहनत की होगी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। पता चलता है कि आप लोगों ने कितना दिल से स्वागत किया, वो भी छठ के दिन जब आप सभी का ख्याल या एक कदम घर की तरफ दौड़ रहा होगा कि जल्दी जाएं और व्रत के कार्यक्रम में घर वालों का हाथ बटाएं। मैं समझ सकता हूं कि इस ऐसे दिन पे आना जब पूरा राज्य छुट्टी पे चला जाता है और आप स्वागत के काम में आए हैं, तो मैं सचमुच बहुत विनम्रता के साथ आपके इस प्यार को स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। रघुवल अविंद तो जानते बनी कि भोजपुरी तो हमारे माई रही, हिंदी भैली मौसी, अंग्रेजी चाची, लेकिन दिल्ली चल भी नहीं तो हिंदी से कमात खाता नहीं, लेकिन भोजपुरी के भुलाई कैसे जाए। तो बड़ा अच्छा लागल, लेकिन आगे के पहले दूरा सुतनी ना कहे से कि आऊंगी से उजरा गिल, और वो इतना उजरा गिनी कि दूरात नींदे ना आई, तो जन सोचलो रही तो भुला गया बन सहातो जन दिमाग में आई तो कहे, लेकिन लबरई ना करे कहे से कि हमारा सरकार बनावे के तो नहीं है, तो हम ना लबरई भीले हम ना रहे लोग लबरई लपेटे होला का कि कहे रहे लोग उनके लागल की एक जिला के पत्रकार बड़े ओकरा के एक पुरस्कार मिलल बा स्वागत करे के चाहिए। वो ऐसे लागल की क्यों बा ऐसा क्या कि भोजपुरी नहीं के बुझते बोला ये कि हमनी के अलग अलग मजबूरियों के शिकार हो जाए राजा, लेकिन सब कोई चाहेला कि हम काम दुनिया में अगर जिंदगी में आयल बनी तो ठीक करी। बहुत लोगों के मौका ना मिलेला, बहुत लोग जानबूझ के अपना रास्ता बदल लेवेला, लेकिन उसमें कुछ लोगों को मौका मिल जाला कि जॉन रॉबर्ट तय कैले बनी वही पे चल जाए, लेकिन तो ऐसे बुझाला कि एक भावना जो रउआ लोगों के दिल में आधे अधूरे तरीके से बा वो केहू के जरिए पूरा होता तो ऐसे रउआ लोगों के अच्छा लागल, और लागल कि जैसे संजय जी कहनी कि जब पुरस्कार मिलल तो लागल कि हमनी के मिलल और सम्मान करत अनिशन, तो बुझाता कि हमनी के अपना के सम्मान करत अनिशन। ये बहुत जरूरी बात कि समाज में अच्छाई के भावना बचल रहो, लबरा लोगों से घबराए के नहीं थे, उनका 10-20 साल गिनल बंद कर दी कोई फायदा नहीं थे। समाज और दुनिया जिस तरह से बदल गई है उसमें पत्रकार होना अब बहुत मुश्किल है। अब सरकारें इतना प्रयास करती हैं कि कोई पत्रकार ना बचे। जब सारे पत्रकार खत्म कर दिए गए और जो बच गए तो उनका फोन टैप किया जाने लगा, बुलाए कहां से, तो इजराइल के कंपनी से सामान किनाई कि ये लोग तनी जासूसी करावाई आओ, आप फोन में ढूका लग के देखल जाओ कि काका बा इनका फोन में। अगर हम आपके खजाने में हाथ डाल के देखने लगेंगे तो भारत की गरीब जनता का खून मिलेगा वहां पे, जिसके दम पे आप हुकूमत चला रहे हैं और राजनीतिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम वहां पर उस गिरेबान पर हाथ डाल देंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ खून के निशान मिलेंगे। जिन हजारों करोड़ों रुपए के फूंक कर आप चुनाव जीतते हैं और दुनिया में अपनी सफलता के ढिंडोरा पीटते हैं, हमको वो बात साबित करने के लिए इजराइल के पेक्सस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, और ना हम अभी इतने छोटे हुए हैं, ना हमारा दिल इतना छोटा हुआ है कि आपके होठ और हाथ दोनों बधाई देने से पहले कांप गए। तो ये क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में अब ट्रायल एंड एरर के प्रयोग करते करते सरकारें अब समझ गई हैं कि जनता को जितना ज्यादा अंधेरे में रखा जाए हमारी हुकूमत उतनी ही चमकेगी, और जनता को अंधेरे में रखा जा सकता है, खासकर भारत जैसे देश में
जहां हर किसी को अच्छा स्कूल अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। हम लोग जब पटना छोड़कर दिल्ली गए तो एक फर्क पता चला। अब जब मैं दुनिया की यूनिवर्सिटी में जाता हूं, कोलंबिया जाता हूं, येल जाता हूं, तो पता चलता है कि उससे भी ज्यादा फर्क है। लेकिन ये एक अंतर आ गया है तो जिसमें हम सब का, ऐसा नहीं है कि आप प्रतिभाशाली नहीं हैं, आप में क्षमता नहीं है, आप में क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको मौका नहीं मिला। आपको वो चीजें जो इस दुनिया को समझने के लिए, इस दुनिया के पब्लिक स्पेस में मंचों पर खड़ा होने के लिए जरूरी थी, वो आपको नहीं मिली। अगर आपको मिली होती और आप अपनी जवानी के दिनों में उन चीजों से गुजर रहे होते तो आपका अपना परफॉर्मेंस जो आज है उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता। इसलिए हम लोगों के भीतर आकांक्षाएं बहुत हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, हासिल बहुत कम है। मन महसूस के रह जाते हैं कि मिला नहीं, कर सकते थे कर नहीं सके। वो इसलिए कि एक सिस्टम के तहत, नीतियों के तहत आपको ज्ञान की दुनिया से वंचित रखा गया, सूचनाओं की दुनिया से वंचित रखा गया। हर तरह की असमानता होती है दुनिया में, पैसे की असमानता होती है। हम कमाई के माध्यम से हम और आप में काफी अंतर हो जाएगा, मुकेश अंबानी से तो और ज्यादा अंतर हो जाएगा, है ना। लेकिन जो नॉलेज की इनइक्वालिटी है उसको किसी ने अभी तक नहीं पहचाना। ये क्यों है? जहां बिहार के लाखों की संख्या में इस राज्य में ऐसे छात्र अभी भी इस खराबे में मिल जाएंगे जो 10 घंटा पढ़ते होंगे, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, उनके इरादे में कोई कमी नहीं है, उनके पढ़ाई के तरीके में कमी है। और ये पढ़ाई के तरीके में कमी किसने पैदा की? तो सिस्टम ने पैदा की। सिस्टम कौन बनाता है? वो जिनको शिक्षा नीति बनानी चाहिए, जो वो कान छोड़कर मंदिर बनवाते हैं, वो लोग बनाते हैं। हम सब ने अपने भविष्य को, अपने सपनों को इतनी बार मरते हुए देखा है, अपने भीतर, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, कि अब हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। कि पूछ लें कि 5.5 साल हुआ कभी एजुकेशन पर भी बात करेंगे? सुना है कभी आपको, आपने उनको एजुकेशन पर बात करते हुए? वो एक यूनिवर्सिटी का आइडिया दे देते हैं, वो का मतलब मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, पत्रकार हूं तो और क्या बात करूंगा यहां पे। वो फिल्म कलाकारों के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि एक फिल्म की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, है ना, फिल्म इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी तो है FTII, उसमें तो आप डायरेक्टर नहीं ढूंढ पाए, एक ढूंढ पाए तो चला गया एक्टिंग करने छोड़ के। और किसको किसको आप बना रहे थे, जहां से दुनिया में जान पहचान बनाने वाले इतने बड़े कलाकार पैदा हुए। कुछ भी आइडिया दे देते हैं आप। नीतीश कुमार जब पटना यूनिवर्सिटी के 100 साल होने पर कहते हैं कि इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए, वो भी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। भाई आप 15 साल से एक राज्य चला रहे हैं, आप बताएं कि आपने इस 15 साल में एक यूनिवर्सिटी तो बेहतर की होगी ना आपने। हम एक की भी उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर आप कौन सी महत्वाकांक्षा अपने भीतर राजनीतिक लेकर राजनीतिक दलों के पीछे चल रहे हैं, बताइए खुद से। या तो ये बेईमानी आपके भीतर है चलने पीछे चलने वालों के पीछे, या फिर देखिए तो बेईमानी जो आपके आगे चल रहे हैं और जो आपको अपने पीछे चला रहे हैं उनके भीतर है। तो उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करेंगे। अरे भाई आप पहले यूनिवर्सिटी तो बेहतर कर दीजिए, जहां टीचर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, फंड नहीं है, और आप पटना में खड़ा के बोलते हैं हम 10,000 करोड़ देंगे। ये 2017 का साल था, 1,000 करोड़ भी आपने नहीं दिया। तो हिंदी प्रदेश के, जिसको मैं हिंदी प्रदेश कहता हूं, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आता है, एक बार सोचिए। और ये हम पत्रकारों का भी काम है सोचना। अगर हम नहीं सोचेंगे इन सवालों के ऊपर तो हम और लगातार पीछे चले जाएंगे और पूरी जिंदगी लगाएंगे, कहीं एक अपनी जमीन छोड़कर दूसरे जगह जाएंगे, वहां धक्के खाएंगे, एक मकान और एक कार खरीद लेंगे और अपने प्रदर्शन से खुश हो जाएंगे, जबकि हम बहुत कुछ और उससे भी ज्यादा हासिल कर सकते थे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें कि तमिलनाडु के लोग आपसे क्यों बेहतर करते हैं, महाराष्ट्र के लोग आपसे क्यों बेहतर करते हैं, उसके कुछ कारण है। अब आप बिहार और यूपी का देख लीजिए,
तो यहां के नौजवानों को, और ये बात ध्यान से सुनिएगा और अपने घर में जाकर सुनिएगा, मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, अगली तीन पीढ़ी तक बर्बाद करने के लिए दो मुद्दा फेंका गया है, एक है धारा 370 और एक है मंदिर। ये जो दोनों मुद्दे हैं इसका बाकी देश से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ यूपी और बिहार के नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, ताकि आप बिना पढ़े बिना जाने अपनी राय बनाकर बागी बनकर समाज में घूमते रहें और नफरत पालते रहें। और वो नफरत की जमीन इस तरह से तैयार कर दी जाए कि एक दिन आप अपने पड़ोसी मुसलमान से कहें कि तुम नेशनल रजिस्टर में अपना नंबर दोगे तब हम पहचानेंगे कि तुम असलम मियां हो। तो हमें किस जगह पर ले जाया जा रहा है इसका मुकाबला जब तक बेहतर शिक्षा की स्थिति नहीं होगी आप नहीं करेंगे। आप चंपारण को लेकर, गांधी को लेकर बड़ा गर्व करते हैं, इसी चंपारण के व्हाट्सएप में जाकर देखिए तो कितने लोगों के व्हाट्सएप में गोडसे को हीरो बनाया जा रहा है। हम कर्जदार हैं गांधी के, हमारी पीठ अंग्रेजों ने गर्म तवे पर रखकर सेक दी थी। गांधी आए थे, मुनीस आए थे, राजकुमार शुक्ल आए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी आए थे, तब हमें मुक्ति मिली थी। राजेंद्र प्रसाद आए थे यहां पर, कस्तूरबा आई थी एक साड़ी में, यहां रह गई, गोडसे नहीं आया था, सावरकर यहां नहीं आया था, यहां कोई नहीं आया था गांधी के अलावा। लेकिन आप देखिए, तो इतनी सी बात आप नहीं कर सकते हैं। बात क्यों होती है सावरकर की? वो इसलिए होती है कि उनके बहाने गोडसे की बात हो। आप गोडसे को स्थापित करना चाहते हैं। इस देश में कोई बड़ी बात नहीं है, अपराधी सांसद विधायक मंत्री और उससे भी बड़े पद पर पहुंचते रहे हैं, आप गोडसे को स्थापित करके हासिल क्या करेंगे? इतनी सी बात बता दीजिए यूपी बिहार के नौजवान लोग। और एक बात सोच लीजिए कि आप गांधी को भी स्थापित करके क्या क्या गंवाने जा रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात सोच लीजिए। अगर जिस दिन हम सब ने अपने भीतर से गांधी को गंवा दिया उस दिन हम फिर से गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि यही वो शख्स है अपनी तमाम कमजोरियों के बाद भी कि आपको वो प्रेरणा देता है कि आप किसी भी हुकूमत के सामने मजबूती से खड़े हो सकते हैं। और वो लाठी लेकर खड़ा हो गया, पूरी जिंदगी प्रयोग करता रहा। लेकिन उनको उनकी हत्या से पहले के एक साल में, आप पढ़िए गांधी के लास्ट एक साल के प्रार्थना प्रवचनों को, आपको पता चलेगा कि वो अपने ही लोगों के बीच कितने अकेले हो गए। आज जिंदा नहीं है लेकिन आज फिर से उनकी वही स्थिति हो गई है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी राजनीतिक समझ के बीच में किस तरह की खलबली पैदा की जा रही है। बदलाव होना चाहिए, नया चीज आना चाहिए, उसमें कुछ कमी भी हो तो उसका मुकाबला किया जाना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए कि क्या है इसमें, इतना डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो चीज हटाई जा रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे दिलों के किसी कोने में पड़े हुए गांधी अब वैसे है भी कहां, लेकिन उनको बीच चौराहे पर उन कोनों से निकालकर फिर से हत्या कराई जा रही है, ये ठीक नहीं है।